अंसारी मेरे साथ थी। इसके अलावा मैंने खालदा रियासत, मेरे साथ लीडिंग रोल जिन्होंने किए हैं उसमें खालदा रियासत थी, रूही बानो, उज़्मा गिलानी, बुशरा अंसारी, यानी इस लेवल के ये बड़े लेवल के, आबिद अली मेरे साथ, फिरदौस जमाल ने मेरे साथ काम किया है, और मोहम्मद कबीर साहब, उन्होंने, ये सारे बड़े बड़े लोग हैं इनके साथ काम किया है। देखिए रेडियो पे मैंने ज़्यादातर तो ड्रामे किए, और उसके अलावा मैं अनाउंसर भी रहा हूँ लाहौर रेडियो पे तकरीबन 4 साल तक। मैंने दुनिया के 80 मुल्क जो हैं वो, क्योंकि एयरलाइन की जॉब थी तो वो मैं उसमें, फिर मैंने कहा इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और जो मेरी किताब थी वो मैंने बिल क्लिंटन, उस वक्त प्रेसिडेंट था, उनको भेजी थी। अच्छा। उन्होंने बाकायदा व्हाइट हाउस से मुझे अप्रिसिएशन लेटर दिया था। घर में पोइट्री थी, मेरे वालिद बहुत ज़बरदस्त पोइट थे, इंग्लिश, पर्शियन और उर्दू, तीनों ज़बानों में वो पोइट्री लिखते थे। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में एम ए इंग्लिश में, मेरे साथ ये उस्मान पी ज़्यादा और ये सलमान शाहिद देवरमा क्लास फेलोज, इन न्यूज़ में मेरे कॉलम छपते हैं बाकायदा, और दिन न्यूज़ में मैं तकरीबन 7 साल वाबस्ता भी यहाँ पे, 6 साल रहा हूँ। इमरान खान से 98 से जो है वो, जब ये पार्टी बनी थी तब से मैंने इमरान खान के करीब हुआ। कुछ दर्दे बेकरां से जो आराम सा मिला, कुछ दर्दे बेकरां से जो आराम सा मिला, यूं जैसे आपका हमें पैगाम सा मिला। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के आज के चीफ गेस्ट हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। ये अदाकार भी हैं, सदाकार भी हैं, ड्रामा और अफसाना निगार भी हैं, कॉलम राइटर भी हैं, और बहुत सारी जो खसूसियात हैं उनके हामिल हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं रेहान नज़र से। क्या हाल है आपका, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने याद फरमाया, और आपका ये यूट्यूब चैनल मैं देखता रहता हूँ, और मेरी ख्वाहिश थी कि आप कभी मुझे बुलाएँ, तो आपने कॉल कर दी। जी तो सबसे पहले तो आप बताएं कि आपकी जो इब्तदाई लाइफ, कहाँ जाए पैदाइश है और एजुकेशन कहाँ से हासिल की? मैं लाहौर में ही पैदा हुआ हूँ, उसके बाद उस, क्योंकि वालिद साहब सिविल इंजीनियर थे PWD में, इमरान खान के वालिद साहब के साथ ही थे, तो उनकी ट्रांसफर्स होती रहती थी, तो फिर ये है कि फिर कराची भी गए, और उसके बाद फिर रावलपिंडी भी गए। कराची जाने का ये फ़ायदा हुआ कि हालांकि आई एम पंजाबी, लेकिन हमारी उर्दू जो है वो वहाँ पे जो है वो मैच्योर हुई, और उसके बाद फिर पिंडी गए। पिंडी में मैंने स्कूलिंग की, उससे पहले पेशावर में मैं कॉन्वेंट स्कूल में रहा, फिर पिंडी में, फिर कॉलेज गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में, जहाँ पे शेख रशीद भी हमसे सीनियर थे, शुजात हाशमी, राहत काजमी, ये सब हमारा एक ग्रुप वहाँ पर था, और आई वॉज जूनियर टू देम। तो वहाँ से फिर वो ऐसा शौक़ हुआ कि रेडियो पे ऑडिशन दे दिया पिंडी रेडियो पे, और वहाँ बच्चों के प्रोग्राम में मुझे फिर एक दो ड्रामे थे वो करने का इत्तेफाक हुआ। फिर PTV वहाँ पे जब आया, चिकलाला में उनका स्टेशन था, तो वहाँ इस तरह जाना हुआ कि SM जफ़र साहब हमारा प्ले देखने आए, उस वक्त वज़ीर कानून थे। अच्छा। और गॉर्डन कॉलेज में हर साल एक थिएटर प्ले हुआ करता था, तो उसमें मेरा मेन रोल था, आदाब अर्ज़ ड्रामे का नाम था, नईम ताहिर का लिखा हुआ था। अच्छा। वो ड्रामा, वो इंग्लिश एक प्ले से जो है ना वो माखूज किया हुआ था, तो उसमें जो मेरा मेन रोल था वो इतना इंटरेस्टिंग हुआ कि पहले ही ड्रामे से मुझे SM जफ़र साहब ने अपने जो वजारत है उसकी तरफ से मुझे गोल्ड मेडल के लिए वहाँ पे बुलाया कि मेरी इनक्रेजमेंट होनी चाहिए। इसी तरह वहाँ पर असलम अजहर साहब और फजल कमाल साहब आए हुए थे, हमारे गेस्ट थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप, हम PTV के लिए ऑडिशन कर रहे हैं, तो आप भी आके वहाँ पे। तो मैं भी गया, शुजात हाशमी, राहत काजमी, हम सब लोग गए, और अल्लाह का शुक्र है कि वो शुरू में ही जो हमारा पहला ऑडिशन था उसमें ही हमें सेलेक्ट कर दिया गया, और फिर हमें वहाँ पे ड्रामे करने का मौका मिला। पहला ड्रामा क्लॉक टावर था यावर हयात का, और उसी दौरान असलम अजहर साहब का ड्रामा था जो मुन्नू भाई ने लिखा था, तो पहला ड्रामा शहजाद अहमद शहजाद ने लिखा था वो क्लॉक टावर, वो एक मंजूम ड्रामा था। अच्छा। तो यूं फिर हमारा वो टीवी का सफर जो है वो, तो ये कौन से सन की बात ये है? 73-74 में जो है वो सारा हुआ, लेकिन PTV जो शुरू हुआ था आपको पता है वहाँ पे 69 में पिंडी में शुरू हुआ था, तो उसी दौरान जो है वो हमारे ऑडिशन वगैरह वो हमने प्ले शुरू कर दिए थे, लेकिन जो सही एस्टेब्लिशमेंट हुई वो 73 के बाद। अच्छा, उसके बाद आपने कितने ड्रामों में अब तक जो है अदाकारी की? मैंने कम से कम तकरीबन 62 या 63 प्लेज हैं जिनमें मैंने काम किया, जिसमें से 5 सीरियल्स हैं जिसमें मैं, मसलन मेरा जो सबसे बड़ा सीरियल यहाँ पे पॉपुलर हुआ था
अहमद नदीम कासमी का लिखा हुआ था, सलमा सितारे अच्छा, वो लाहौर में प्रोड्यूस हुआ था, नुसरत ठाकुर ने प्रोड्यूस किया था, उसमें मेरा लीडिंग रोल था। उसमें मेरे साथ बाबरा शरीफ को पहले कास्ट किया गया था, लेकिन अच्छा। बाबरा शरीफ का कोई मसला हो गया था और वो नहीं आ सकी थी, तो फिर रुमाना मेरे साथ थी, एक एक्ट्रेस होती थी उस वक्त, यंग सी थी, और उससे मुजमा गिलानी मेरी वालदा का रोल किया था और अच्छा। मनवर सईद मेरे वालिद बने थे, वो एक स्मगलिंग के खिलाफ एक एक प्ले था जो बहुत पॉपुलर हुआ। और उसका सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि उसके लिए ख़ास तौर पर ज़ियाउल हक साहब की बेगम साहिबा ने उस वक्त जो हमारे यहाँ पे जनरल मैनेजर थे पीटीवी के, उनको फ़ोन करके ख़ास तौर पे मेरी अदाकारी की तारीफ। अच्छा, बड़ी बात है, तो बड़ी ऑनर थी वो। और आपने और किन किन ड्रामों में किया, कोई बड़े नाम जो उनमें से अहम नाम हो? मैंने देखे जी, मेरा जो सीरियल था घर छोटा सा, उसमें बुशरा अंसारी मेरे साथ थी, उसके हस्बैंड ने जो है वो इकबाल अंसारी ने वो प्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद जो और एक मेरा बहुत ही पॉपुलर प्ले था, औरत माँ गुड़िया, वो प्ले था, वो भी ग्राउंडे एक सीरीज़ थी, उसमें था और वो जो है इकबाल अंसारी ने ही प्रोड्यूस किया था। फिर उसके अलावा यावर हयात के प्ले थे यहाँ पे लाहौर में, वो तो बेशुमार, मैंने यावर साहब के साथ काफ़ी काम किया और यावर साहब एक किस्म के हमारे मेंटोर भी थे, उस्तादों में से उनका शुमार था, क्योंकि जब हम नौजवानी में आए थे तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, और फिर जब मैं लाहौर आ गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे अपने ड्रामों में जो है यहाँ पे काम किया। और अब तो वो याद भी नहीं है कि कितने प्लेज मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये है कि जो MNH के साथ, मोहम्मद निसार हुसैन के साथ जो प्ले किए हैं, वो अब भी यूट्यूब में, मैंने कल परसों भी देखा कि वो उसमें हैं, जिसमें मिनाज रफ़ी थी। फिर उसके अलावा मैंने खालदा रियासत, मेरे साथ लीडिंग रोल जिन्होंने किए हैं उसमें, खालदा रियासत थी, रूही बानो, उज़्मा गिलानी, बुशरा अंसारी, यानी इस लेवल के बड़े ये बड़े लेवल के अदाकार जो मर्द अदाकार थे उनमें से कौन? उनमें आबिद अली मेरे साथ, फिरदौस जमाल ने मेरे साथ काम किया है, और मोहम्मद कबीर साहब, कबीर खान, उन्होंने, ये सारे बड़े बड़े लोग हैं, इनके साथ काम किया है। और यानी वो ऐसी यादें हैं कि जो अक्सर मैं शेयर भी करता हूँ फेसबुक पे, वो बड़ी अच्छी यादें हैं आपकी। अच्छा, आप साथ ये बताएं कि रेडियो पे भी आपने बहुत काम किया। रेडियो वाले समय में रेडियो तो असल में मेरी इब्तिदा है, क्योंकि रेडियो जो ब्रॉडकास्टिंग है ना, यहाँ आपको जो है ना, जो आपको उतार चढ़ाव आवाज़ का, और जिस तरीके से आपने स्ट्रेस कहाँ देना है, पॉज कहाँ देना है, और यानी लफ्ज़ को आप जब गुलाम बना के बोलते हैं वो कैसे बोलना है, क्योंकि लफ्ज़ जब तक आपके ग्रिप में नहीं होगा आप उसको अदा नहीं कर सकते। क्योंकि आज के दौर में मैंने देखा कि लोगों में वो तरबियत नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्ट आ गए हैं उनको पता ही नहीं है कि लफ्ज़ की हुरमत क्या है, लफ्ज़ की अहमियत क्या है, और लफ्ज़ों से जो खेलना है वो किस तरीके से खेलना है कि लफ्ज़ जो है उसकी हुरमत भी कायम रहे और वो ऐसा अदा हो कि दूसरे को जाके उसके दिल पे लगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है ना, ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आपको सिखाती है। और हम आपकी आवाज़ सुनते हैं, उसमें बड़ा रिज़म होता है और बड़ा मज़ा आता है आपको सुनते हुए, और अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतर होता है जिसको हम सुन के हमें खुद फील होता है। अच्छा, आप ये बताएं कि रेडियो पे आप किस किस तरह के प्रोग्राम किए, आपने पॉलिटिकल किए या? देखिए, रेडियो पे मैंने ज़्यादातर तो ड्रामे किए, और उसके अलावा मैं अनाउंसर भी रहा हूँ लाहौर रेडियो पे, तकरीबन 4 साल तक मुल्क से बाहर जाने से पहले मैं रेडियो पे बाकायदा अनाउंसर था, लेकिन उसी दौरान मैं जॉब भी कर रहा था। मैं नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NAFDAC जो है उसमें मुझे ख्वाजा शाहिद हुसैन होते थे हमारे डायरेक्टर जनरल रेडियो के, तो जब वो NAFDAC में गए तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे वहाँ पे उन्होंने एग्जीक्यूटिव जॉब दी, जिसमें उस वक्त मेरे सीनियर थे नकी मुस्तफ़ा, जिन्होंने सराजुद्दौला फिल्म भी लिखी थी, तो उनके साथ काम किया। तो फिर NAFDAC में फिर मैं डायरेक्टर हो गया, एक फिल्म स्टडी सर्कल बनाए थे हमने, उसमें ये था कि हम टाउन हॉल में ना वर्ल्ड की क्लासिक फिल्में दिखाते थे, और उसके बाद उस फिल्म पे हम डिस्कशन कराते थे। उसमें मेरे 300-400 मेंबर थे, जिनमें अच्छा। फैज़ अहमद फैज़ साहब जैसे लेवल के लोग भी शामिल थे, और वो फिल्म जो है वहाँ पे जब हम वर्ल्ड क्लासिक लाते थे मुख्तलिफ मुल्कों से, पोलैंड, ऐसी फिल्में जो पाकिस्तान में आम आदमी नहीं देखता था, वो फिल्में जब यहाँ 16mm पे हम दिखाते थे, उसके बाद उस पर बाकायदा डिस्कशन होती थी फिल्म पे। और वो एक अच्छा दौर था भुट्टो साहब का, क्योंकि भुट्टो साहब के दौर में जितनी पाकिस्तान इस हवाले से भी तरक्की कर रहा था, वो मेरे ख्याल वो फिर ज़ियाउल हक साहब आ गए तो वो हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ज़वाल पज़ीर हो गई। तो उसके बाद फिर एक दौर आया कि जब
मैं मुझे इन्होंने दो सिनेमा थे नेवडेक सिनेमा इस्लामाबाद का, अच्छा, उसका मुझे डायरेक्टर बना के यहाँ से ट्रांसफ़र किया। फिर 7 साल मैं वहाँ भी रहा हूँ। इसी दौरान फिर मेरा अमेरिका का वीज़ा लग गया और मल्टीपल वीज़ा था, तो जाने को दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन खैर मुझे जाना पड़ा और मैं गया वहाँ पे। और वहाँ जाते ही फिर मैंने वहाँ पे जो है वो ट्रैवल बिजनेस में आ गया। अच्छा, यही मैं पूछना चाह रहा था कि आपने बड़ी दुनिया देखी। हाँ, और बहुत सारे ममालिक में गए, वो जरा हमारे साथ आप शेयर करें। अल्लाह का शुक्र है, मुझे शौक तो बड़ा था। अच्छा, और इसका एक अजीब वाकया है कि यहाँ पे जब मैंने नेवडेक से रिज़ाइन दिया तो लाहौर में मैं अक्सर दाता साहब से मेरी बड़ा लगाव था। मैं जुमेरात को उमूमन वहाँ जाता था क्योंकि मेरे बड़े भी जाते रहे हैं। तो जब एक दिन मैं वहाँ गया तो ज़रा सा मायूसी मेरे अंदर आ गई और मैं बाहर बैठा हुआ था दादा साहब उसके वहाँ पे सीढ़ियों पे, तो कुछ सोच रहा था। इतने में मैंने देखा रात के 2 बजे थे, तो अच्छा, एक देखा कि एक शख्स मर्सिडीज़ गाड़ी में आया, वो उतरा है तो लोग उनके पीछे पीछे, और वो एक बारिश और बड़े खूबसूरत शक्ल और उनके साथ साथ वो भी दाखिल हो रहे थे वहाँ उसके अंदर। लेकिन वो बुज़ुर्ग जो थे वो एकदम मेरी तरफ रागिब हो गए। अच्छा, और मुझे उन्होंने देखा और मैं सलाम करने की अभी मैं कोशिश कर ही रहा था कि उन्होंने मेरे मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। अच्छा, और मुझे कहा जा हवामा चूड़ेगा। हाँ, ये कह के वो अंदर चले गए। चले गए, मैं परेशान में क्योंकि मेरे तो आंखों में आंसू आ गए कि यार मुझे थप्पड़ पड़ गया, ये क्या। तो वो जो उनके साथ थे वो मुझे मुबारकबादें दे रहे हैं। अच्छा, खैर उसके बाद खैर थोड़ी देर मुझे जब हिम्मत हुई मैं फिर अंदर गया, उन्होंने मुझसे बात नहीं, उन्होंने कहा जा जा तू हवामा चूड़ेगा जा। मैं वहाँ 2 मिनट भी नहीं खड़ा हुआ और मुझे यानी जाना पड़ गया। लोगों ने कहा जी इन्होंने कह दिया चले जाओ। उसके बाद ये हुआ कि फिर अचानक मैंने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि मैं अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अमेरिका का वीज़ा, उस वक्त ये नहर के किनारे उनका होता था कॉन्सुलेट ऑफिस, वहाँ गया हूँ। तो वो मैंने जब वीज़े के लिए अप्लाई, उन्होंने कहा जी अच्छा मेरा जो पासपोर्ट था उसमें बिज़नेस लिखा हुआ था। अच्छा, तो मैं बिज़नेस तो कोई करता नहीं था। तो उसने अचानक मुझसे जब बिज़नेस का सवाल किया तो मैं कुछ नर्वस हो गया। अच्छा, और फिर मैंने ये सोचा कि अगर इसने स्टैंप लगा दी तो फिर आइंदा के लिए तो मैं बिल्कुल गया। तो मैंने पासपोर्ट वापस ले लिया, मैंने कहा आई डोंट वांट टू गो टू अमेरिका। अच्छा, हाँ, तो मैंने पासपोर्ट लेके मैं चला गया। अब 2-3 दिन मैं उसी कश्मकश में रहा। अच्छा, तो मेरा रेडियो पे टीवी पे रेडियो पे प्ले चल रहा था एक, यानी रिहर्सल हो रही थी, वो रिहर्सल डिले हो गई। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी ये 3:30 बजे अब आपका प्ले रिकॉर्ड हुआ। तो मैंने फिर वो फॉक्स वैगन गाड़ी होती थी, मैंने वो गाड़ी चलाई और मैं फिर वहाँ पहुँच गया। अच्छा, अब मैं वहाँ ऐसा करके, उस वक्त इतना रश नहीं होता था वहाँ पे वीज़े, अमेरिका के वीज़े 82 में कहाँ लोगों को मिलते थे, कहाँ लगाते। मैं फिर ऐसे बैठ गया तो वो जो मिस्टर रॉजर थे उसने ए कहाँ कम हेयर, मैं फिर गया यू आर द वन हु केम दैट डे, मैं कहा यस सर व्हाट हैपन, मैं कहा आई वेंट हाउस एंड आई वाज थिंकिंग दैट इफ आई डोंट गो टू अमेरिका नथिंग विल हैपन टू अमेरिका बट आई विल मिस टू सी सच अ ग्रेट कंट्री इन द वर्ल्ड। कहता व्हाट डू यू वांट, मैं कहा आई वांट टू विजिट अमेरिका। कहता व्हाट्स योर प्रोफेशन, अब जो मेरे जहन में आया ना मैं कहा शो बिजनेस, क्योंकि बिजनेस लिखा था मेरे, मैं स्मार्ट हो गया शो। तो उस ज़माने मेरे वहाँ PTV पे प्ले भी चलते थे। तो उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया, उसने कहा यू नो दिस मैन, उसने कहा यस ही इज़ एन एक्टर आई सी एम टी। लो जी, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा कम एट 5 o'clock। 5 बजे गया तो देखा तो मल्टीपल वीज़ा लगा हुआ था। आप देखें कि वो फिर मुझे वो जब मैं जहाँ पे बैठा हूँ हवा में उड़ेगा वो जलाली तबीयत थी। आप देखें वो जलाली, उसके बाद वो मुझे कभी नज़र नहीं आए वहाँ पे। तो वो जनाब वहाँ पे अमेरिका पहुँच गए। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया और अमेरिका में मैंने सोचा अब मैं यहाँ पर अगर मुझे, क्योंकि मेरा वीज़ा जो था वो 1 साल का था, मैंने कहा फिर कोई जॉब करूँ। और अमेरिका में इतफाक़ से ऐसा हुआ कि एक मिस्टर हर्बर्ट कोडिंगटन थे। अच्छा, जो पाकिस्तान आए थे यहाँ पर और उस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल होता था PC का नाम, जी जी, वहाँ पर उमूमन हम स्विमिंग करने जाया करते थे। हमारे एक दो दोस्त थे वहाँ पे फ्रंट ऑफिसर, तो वो हमें इनवाइट करते। तो मैं स्विमिंग कर रहा हूँ तो मेरे साथ वो अमेरिकन एक हो गए 55-60 ईयर ओल्ड बुज़ुर्ग थे, वो भी स्विमिंग कर रहे। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो बड़ी दोस्ती हो गई उनसे और उनकी बेगम भी साथ थी मिसेस कोडिंगटन। तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई आप क्या, उन दिनों मेरा अली इजाज़ का थिएटर प्ले था आर्ट्स काउंसिल में, वो चल रहा था। तो मैंने कहा मैं आई एम एन एक्टर एंड आई एम प्लेइंग अ रोल इन अ
थिएटर एंड लाइक इज इट लाइक ब्रॉडवे मैं कह नो इट्स अलहमरा थिएटर तो कैन यू इनवाइट मी देयर मैं कह यस लो जी हमने उनको वहाँ इनवाइट कर दिया और ही केम देयर और अली जहाज ने उनको फ्रंट रो में बिठाया और उसमें अतिया शरफ भी थी बदयू जमान एक हमारे दोस्त थे एक्टर वो भी थे तो वो प्ले उन्होंने देखा और हालांकि उनको समझ नहीं आ रही थी मगर वो थ्रू आखिर तक बैठे रहे उसके बाद जनाब वो मुझे साथ ले आए जब ख़त्म हुआ हमने इकट्ठे इंटरकॉन में डिनर किया अच्छा उसके बाद उन्होंने अपना एड्रेस वगैरह दिया कहने लगा मेरी वहाँ ट्रैवल एजेंसी है क्योंकि उन दिनों मैं जो है वो ट्रैवलिंग का कोर्स भी कर रहा था जब मैंने एफडेक छोड़ के आया था तो मोंटाना ट्रैवल थी एक गुलबर्ग में वहाँ से मैंने इसका टिकटिंग का कोर्स किया मैंने कहा यार ये प्रोफेशन भी देखते हैं क्या है तो उस तरह फिर मैं अमेरिका गया तो उनका मेरे पास पता था अच्छा तो एयरपोर्ट से मैंने उनको फ़ोन किया उन्होंने कहा यू विल नॉट गो एनीवेयर एल्स कम हियर यू आर लाइक माय सन वाह लो जी मैं फिर वो अर्बर्ट कंटिंगटन साहब हैं उनके घर गया और वहाँ पे दोनों मियाँ बीवी रहते थे और ऊपर एक को उन्होंने गेस्ट के तौर पर रखा हुआ था वो भी एयरलाइन में काम करता था इंडियन था तो आई स्टार्टेड लिविंग देयर और क्योंकि उनकी ट्रैवल एजेंसी थी तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू लर्न इन माय ट्रैवल एजेंसी तो खैर मैंने कहा जी लेट मी ट्राई आउटसाइड इफ आई डोंट गेट एनी जॉब आई विल बी विद यू तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मुझे एक मरसूमी ट्रैवल थी इराकी सद्दाम हुसैन की बहन का खावन था अच्छा मरसूमी ट्रैवल थी उसकी वहाँ पे जनाब वो मैंने वही था सद्दाम हुसैन हाँ जी तो वहाँ पे जब उसने मेरा टेस्ट लिया तो इत्तेफाक से जो मैंने सीखा हुआ था वही उसने मुझसे पूछा और वो उसने मुझे क्लियर कर दिया उसने कहा ओके यू ज्वाइन मी लो जी वो मैंने 6 महीने वहाँ पे काम किया 7 महीने और वहाँ से इसी दौरान फिर सऊदी एयरलाइन में जॉब्स निकली तो वो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया तो मेरी सिलेक्शन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे वहाँ पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर सऊदी एयरलाइन में हो गई तो वहाँ न्यूयॉर्क में फिर 5 महीने और मैं रहा फिर मेरा वीज़ा था फिर सऊदी अरब से मेरा वीज़ा आ गया रियाद का अच्छा अमेरिका के अलावा आप कौन कौन से मुल्क में गए मैंने दुनिया के 80 मुल्क जो हैं वो क्योंकि एयरलाइन की जॉब थी तो वो मैं उसमें फिर मैंने कहा इससे फ़ायदा उठाना चाहिए तो दुनिया का शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जिस तरह नहीं जो मैं नहीं गया मसलन ऑस्ट्रेलिया है फिर उसके बाद इंडोनेशिया है फिर आप जो है अंदाज़ा लगाएं कि फ्रांस है यूरोप है जर्मनी है फिर आप UAE है यानी दुनिया इंग्लैंड तो मैं 44 times गया हूँ क्योंकि वहाँ बदयू जमान रहता था अच्छा। हमारा दोस्त था तो वो बदयू जमान के पास मैं हर वीकेंड पे चला जाता था यानी बुध को जाता था और जुम्मे को वापस आता था या फिर जब मेरी छुट्टी जुम्मा हफ्ता इतवार हुई तो फिर मैं जुम्मे की रात को जो जुमे रात की रात को जाता था और मैं इतवार को वापस आता था तो इस तरह यानी इतना ट्रैवल किया कि मैं अगर उसकी माइलेज बताऊँ तो मेरा ख्याल है कम अज़ कम 23 लाख अच्छा किलोमीटर लगती है अच्छा आप शायर भी हैं आप नावल निगार भी हैं अफसाना भी लिखते हैं तो आप हमें अपनी किताबों के हवाले से बताएं आप मेरी जो है इस वक्त देखिए जी अमेरिका से जो मेरी किताबें छपी हैं उसमें एक मेरी इंग्लिश की किताब है द स्टोन्स अच्छा और माय हार्ट बीट ये इंग्लिश पोइट्री की किताब है बिल्कुल फिर उसके बाद मेरा नावल है जो इंग्लिश का नावल है इम्प्रिजेंट ब्यूटी वाह वो भी वहाँ से छपा है फिर उसके बाद यहाँ पे जो मेरी किताबें छपी हैं ये 2 किताबें तो मेरी इसने छापी हैं शुएब बिन अजीज़ जो यहाँ DG थे ISPR में फिर उसके बाद उनका उस वक्त वहाँ पे बिजनेस था छापने का तो उन्होंने मेरी खोखले लोग मेरी किताब छापी थी और फिर मेरा एक नावल था राबिया जिंदा है वो छापा फिर मेरी किताबें अलहमद पब्लिशर ने पोइट्री की जानम जाने जाना अच्छा ये जो है वो छापी हैं और अब भी 1-2 किताबें मेरी जो हैं वो छपने वाली हैं तो नावल मेरा जो है राबिया जिंदा है वो तो बहुत अमेरिका में उसको पसंद किया गया जो वहाँ की लिटरेरी सोसाइटी उसने अवार्ड दिया फिर इंग्लिश पोइट्री को तो मेरा अमेरिका में बहुत प्रेज़ किया गया यहाँ तक कि मेरी पोइट्री जो मेरी किताब थी वो मैंने बिल क्लिंटन उस वक्त प्रेजिडेंट था उनको भेजी थी अच्छा। उन्होंने बाकायदा वाइट हाउस से मुझे अप्रिसिएशन लेटर दिया था ख़ासतौर पर मेरी एक पोइम थी जो खुदा पर मैंने लिखी थी गॉड सुना दें हाँ वो थी कि गॉड लिविंग इन माई माइंड You always live in my mind. Still, it is difficult for me to find. And wherever I see, you are there. When try to touch, I am blind. And to err is human, and I make mistakes. Every time you forgive me, you are kind. And watch of my thanks never stops. But sometimes it needs a wind. And my love for you is not easy to explain.
एंड इफ आई राइट अ बुक इट वुड बी इम्पॉसिबल टू बाइंड एंड वन क्वेश्चन इन माई माइंड ऑलवेज रेज Why the life for me is like a maze. Wow. I pass one door and find another, then another. When look back, it seems many doors are in my chase. And everything else is very clear to me, except the future which is in the haze. And now I have all what I wanted and feel. For the material, I don't have any craze. And why I'm worried about my future when one day, there would be an end to this phase kahani muk jani hai kisi future future lag gayi ye is tarah ki meri poetry bahut aala acha aap badi romantic shakhsiyat hai to aapko romance bhi hoga is wale se kuch bataye romance dekhe ji asal mein baat ye hai ki I was only 16 when I lost my father oh he was civil engineer aapko maine bataya to aur meri walida jo thi wo bhi poetry se bada shauk karti thi to उसकी वजह से ये है कि पोइट्री में तो मेरे घर में पोइट्री थी मेरे वालिद बहुत ज़बरदस्त पोइट थे इंग्लिश पर्शियन और उर्दू तीनों ज़बानों में वो पोइट्री लिखते थे तो उसकी वजह से वो ज़्यादातर उनकी रोमांटिक पोइट्री होती थी और वालदा जो थी वो भी बड़ी शौकीन थी लिटरेचर से बड़ा लगाव था इसकी वजह से मेरा रुझान उधर हुआ और मैं थे आई वॉज़ लकी टू हैव सच अ ग्रेट पेरेंट्स खासकर देखें 16 साल की उम्र में जब 6 बच्चे हों एक माँ के और वो विडो हो जाए और बाप ने शराफत से अपनी नौकरी की हो बगैर किसी करप्शन के तो आप बताएं कि वो फिर क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज था और यही वजह है कि मैं माओं की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसी माओं की जो अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी देती हैं बड़े बच्चे थे मैं सबसे बड़ा था मेरी जिम्मेदारी थी और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा हुआ कि किसी से हमें हाथ फैलाना नहीं पड़ा और सिर्फ मेरी वालदा की वजह से और फिर यह है कि उन्होंने 6 बच्चों को सारों को हाईली एजुकेटेड किया यानी मास्टर कराया मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में एमए इंग्लिश में मेरे साथ ये उस्मान पी ज़्यादा और ये सलमान शाहिद देवरमा क्लास फेलोज तो छोटे भाई मेरे तीनों वो भी वो उनमें से 2 अमेरिका में एक डॉक्टर है वो भी अमेरिका और सऊदी अरब वापस आ गया 2 बहनें हैं दोनों प्रोफेसर और तो मेरा मतलब यह है कि सबको हाईली एजुकेटेड किया और फिर वालदा आपके बच्चे भी दोनों डॉक्टर हैं मेरे दोनों माशाल्लाह बच्चे भी असल में बात यह है कि ये अल्लाह की देन और मैं वालदेन की दुआएं और आई एम लकी कि और मैं जो भी कुछ हूँ अपने अल्लाह के बाद अपने वालदेन की वजह से हूँ और मैं समझता हूँ कि वालदेन को हमेशा एक आला मकाम हमें अपनी ज़िंदगियों में देना चाहिए क्योंकि आपको हर चीज़ मिल जाती है माँ बाप नहीं मिलते फारग वक्त में आपका क्या मशगला है फारग वक्त में आप देखें कि मैं यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो क्योंकि कॉलम निगारी करता हूँ तो दिन न्यूज़ में मेरे कॉलम छपते हैं बाकायदा और दिन न्यूज़ में मैं तकरीबन 7 साल वाबस्ता भी यहाँ पे 6 साल रहा हूँ और वहाँ पे मेरी जो सबसे बड़ी जो एक प्लेजर होता था क्योंकि बात यह है कि आप में अगर कोई टैलेंट है या आपके पास अल्लाह ताला ने कोई हुनर दिया है तो उसको आप बांटें बिल्कुल तो दिन न्यूज़ में जो है वो जितने भी एंकर नए आते थे और जो इवन पुराने थे वो आई यूज़ टू ट्रेन देम उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया और ये यूनिवर्सिटी जो यूसीपी है इसमें भी जो है मेरे लेक्चर होते हैं फ्री एज ए फ्रीलांसर और मैंने इस वक्त आपके टीवी स्टेशनों पे जो प्राइवेट चैनल्स हैं उसमें कम से कम 50% जो लड़कियों और लड़के हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने ट्रेन किया और जिनको मैं और मेरी बस फालतू लाइफ एक तो फालतू वक्त जो है वो बहुत कम होता है क्योंकि जहन इतना बिजी रहता है उसके अलावा रेडियो पे मेरे प्रोग्राम होते हैं रेडियो पे रेडियो पाकिस्तान से मेरा आजकल भी हर सैटरडे की रात को 11:05 से 12 बजे तक एक शो चलता है शेर व नगमा और वो पिछले 5 साल से चल रहा है और वो मैं करता हूँ फिर प्राइवेट जो टीवी चैनल हैं ये भी अक्सर मुझे एज ए एनालिस्ट मुझे बुलाते हैं और मैं अपने तज़िये जो है वो वहाँ में पेश करता हूँ अच्छा आप इमरान खान के भी बड़े क्लोज हैं उनके बड़े फॉलोअर्स हैं हाँ नहीं तो उस वाले से भी हमें हाँ इमरान खान से 98 से जो है वो जब इस पार्टी बनी थी तब से मैंने इमरान खान के करीब हुआ था और इमरान खान जो है वो उसके बाद रियाद में जब मैंने अपनी 2 किताबों की रूनमाई करनी थी तो मैंने खान साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है मेरी रूनमाई करने आ जाएँ तो वो असल में वहाँ सऊदी अरब आते थे ये शौकत खानम के लिए फंड्स वगैरह इकट्ठे करने ना तो उन दिनों फिर वो वहाँ आए हुए थे तो उन्होंने बाकायदा मेरी 2 किताबों की जो है वहाँ रूनमाई की थी और उसके बाद से मेरा उनसे रिलेशन रहा और बल्कि जब वो पहला इलेक्शन लड़े और सिर्फ 1 सीट आई उसके बाद मुझे अक्सर जहाज़ में अक्सर जब यहाँ से
फोकर में हम जाते थे तो अक्सर खान साहब भी मेरे साथ वाली सीट कुदरती वो साथ होती थी, और वो अक्सर यही कहते थे यार तुम जर्नलिज्म में मेरा उस वक्त भी इंटरेस्ट था, तो कहते यार इस तरह करो कोई सर्वे वगैरह मेरी पार्टी का भी कराओ, क्योंकि उनको ये था कि अभी तक क्यों मैं आगे नहीं बढ़ा, तो यानी उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है खान साहब ने, और अब जो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया है, और आप देखें कि वो ऐसा प्राइम मिनिस्टर है कि जिसमें बिल्कुल गुरूर नहीं है, ये तो उसमें मसला ये है कि इन लोगों ने उनसे अच्छा बर्ताव नहीं किया, आपको पता है कि जब पहले दिन असेंबली का इजलास हुआ उनको बोलने नहीं दिया गया, तो नेचुरली वो इज अ सेंसिटिव मैन, तो वो उन्होंने दिल में रखा हुआ है कि यार ये लोग जो हैं ये कैसी जमहूरियत है कि आपको बोलने नहीं देते आप। अच्छा इमरान खान साहब से आपकी मुलाकातें होती हैं, आप उनकी अगर चार पांच अहम क्वालिटीज बयान करें तो वो क्या होंगी? सबसे बड़ी बात ये है कि वो ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, उनको दौलत की इतनी फिक्र नहीं है, क्योंकि अगर दौलत की फिक्र होती तो वो अरबपति तो उसी वक्त बन गए थे जब डिवोर्स का उनका केस हुआ था और उन्होंने अदालत में कह दिया था, जज ने पूछा था कि आपको जो है वो इतना रिवॉर्ड जो है वो दियो, उन्होंने ओपनली रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा मुझे एक 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 पाउंड भी नहीं चाहिए, और इसी पे फिर वो जो जुमैना थी वो उनसे वहाँ पे यानी कोर्ट में उनसे लिपट गई थी कि ऐसा अजीम आदमी के पाकिस्तानी जिनके बारे में इतना बुरा इमेज था वो उन्होंने किया। उसके अलावा इमरान खान में ये है कि जो एक दफ़ा वो सोच लेता है ना वो उसका मिशन बन जाता है, ही डज इट। बिल्कुल आप देखें कि उन्होंने 92 में जो वर्ल्ड कप जो था वो कह के गए थे कि मैं लेकर आऊँगा, हालांकि आखिरी वक्त तक उनकी टीम हार रही थी और उसके बाद आप देखें ही डिड दैट, तो वो ये है कि डिटर्मिंड बंदा है वो, और मैं समझता हूँ अब भी वो जिस तरीके से फाइट कर रहा है हमें उम्मीद है कि वो अल्लाह उन्हें कामयाबी देगा, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत अगर उनकी अच्छी है तो अल्लाह ताला यकीनन उनको देगा। और अच्छा आप सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं? खुश जब मैं अपने पोते के साथ होता हूँ। अच्छा मेरा पोता जो है अफ़ान, अच्छा जब वो मुझे मिलता है और जिस तरीके से वो मुझे बोसा देता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अभी 3 साल का है वो। अच्छा। सिर्फ हाँ, क्योंकि वो और मेरी बहू भी डॉक्टर है तो वो हम चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर बने, और जब उसे ये कहते हैं तो बड़ा खुश होता है और चिमट जाता है। अच्छा जिंदगी में कहके की क्या अहमियत है? सर कहका तो फिर आपको पता है ये नसीब कभी कभी होता है आपने ये कहके जो है ना मुझे अब देखें ये नेचुरल हंसी थी, और कहके की बड़ी किस्में हैं, मसलन एक होती है स्माइल से शुरू होता है, वैसे तो ये है कि कहका आदमी कम ही लगाता है, और आप ऐसे आजकल वो कॉमेडियन भी नहीं है कि जो अमानुल्लाह भी चला गया वो उससे हम कभी मिलते थे, वो हमारे सामने क्योंकि आर्टिस्ट बना है, और रेडियो पे जब आया था तो सबसे पहले रेडियो स्टेशन में मैं उसे अंदर लेकर गया था रेडियो में, और उस वक्त ये मेरे ख्याल है ट्रेनों में इधर उधर वो गोलियां वगैरह बेचता था शुरू में। हाँ, लेकिन कमाल है कि वो आखिरी दिन तक उसके अंदर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया था, और वो इतनी मोहब्बत से इसी तरह, और जब भी मिलता था वो यानी इतना हंसाता था मुझे, और मैं और तारिक अजीज़ अक्सर जब उस जमाने में हमने आर्टिस्ट इक्विटी बनाई थी रेडियो पे और टीवी के एक्टरों की, तो उसमें अक्सर वो बुलाया, तारिक अजीज़ उसमें प्रेसिडेंट थे तो मैं उसमें जॉइंट सेक्रेटरी था, सोहेल जफर था उसमें सेक्रेटरी था, तो ये अक्सर हमें बिठा के तारिक अजीज़ साहब उसे कहते थे कि भाई कोई लतीफ़, उनको भी बड़ा शौक था कि मुझे कोई हंसाए, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी परेशानी है कोई हंसाने वाला हो तो नेचुरली इट्स अ ब्लेसिंग। बिल्कुल, तो वो हमें ऐसी ऐसी बातें करता था कि यकीनन उसकी बेख्तियार आप हंसी आ जाती। अच्छा आप ये बताएं कि ज़िंदगी में जो है ना खुशबू को आप कैसे बयान करेंगे, उसकी क्या अहमियत है? सर खुशबू तो आपको पता है ये तो फिर मैं समझ कुदरत का आती है, जैसा मैं इसको समझता हूँ जैसा दोजख और जन्नत है। अच्छा तो अच्छी खुशबू तो जन्नत की हवा है और बदबू दोजख है। ये बड़ी अच्छी आपने तर्जमानी की। अच्छा हमें हम आपकी उर्दू शायरी का सुनना चाहेंगे, कोई आप हिस्सा हमें सुना दें। कुछ दर्दे बेकरां से जो आराम सा मिला, कुछ दर्दे बेकरां से जो आराम सा मिला, यूं जैसे आपका हमें पैगाम सा मिला, और सुबह हसीन ख्वाब की ताबीर ये हुई, हर जज्बा अपना ढलती हुई शाम सा मिला, और मरहम का काम दे गया वो खंजरे नज़र, इससे जिगर के ज़ख्म को आराम सा मिला, और तर अपने आप हो गए ये मेरे खुश्क लब, उनकी नज़र से गोया कोई जाम सा मिला, और अजहर की नेकियों की बहुत धूम थी मगर, अजहर की नेकियों की बहुत धूम थी मगर, हमको तो शहर भर में वो बदनाम सा मिला। वाह जी वाह, बहुत आला बहुत आला।
अच्छा, आप अपनी जिंदगी का कोई ऐसा मकसद या आपने कोई एम बना रखा है जो अभी तक हासिल नहीं कर सके और करना चाहते हैं? बस एम मेरा जो है वो ये है कि मैं इस दुनिया से जब जाऊं तो अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हूं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। लाहौर में आलमी मियार के डेंटल क्लिनिक का क्याम, डेंटल कन्फेशन में दांतों के हर तरह के मसाइल का हल मौजूद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन क्लिनिक, जदीद मशीनरी और आला से लैस, बहार शाह रोड जोड़े पुल कैंट में वाकया डेंटल कन्फेशन क्लिनिक आपकी खिदमत में पेश। फोन नंबर 04236634747। यूनस मोबाइल होलसेल डीलर, ऑल मोबाइल ब्रांड्स अवेलेबल, 25 इयर्स ऑफ ट्रस्ट, एड्रेस 29 मेन हॉल रोड लाहौर, फोन 04237244485, पेस गुलबर्ग लाहौर, फोन 04235756613 एंड 14।